इस साल जनवरी में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट में हुई भारी गिरावट को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। ईडी ने मामले की प्रारंभिक जांच में पाया कि करीब 12 विदेशी कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग के जरिए काफी लाभ कमाया था। इन कंपनियों में टैक्स हेवन देशों में स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI और विदेशी संस्थागत निवेशक FII भी शामिल है। क्या कुछ मामला है, क्या शॉर्ट सेलिंग होती है, कैसे मुनाफा कमाया, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके बाद कंपनी के शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इस मामले में ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि तकरीबन एक दर्जन कंपनियों, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट सेलिंग के जरिए अच्छा मुनाफा बनाया था। पहले ये जान लेते कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है और उसके बाद आपको बताएंगे कि जांच में क्या मिला था। तो शॉर्ट सेलिंग एक तरीके की निवेश रणनीति होती है जिसमें निवेशक को भरोसा होता है कि शेयर्स की कीमतें गिरेंगी। ये एक तरह की सट्टेबाजी की तरह होता है। इसमें निवेशक बेचने के लिए शेयर्स उधार लेते हैं और बाद में उन्हें कम कीमत पर वापस खरीदते हैं। इस तरह के ट्रांजैक्शन में निवेशक लाभ कमा लेते हैं। ईडी ने अपनी जांच में क्या पाया, तो ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट को जुलाई में सेबी के साथ शेयर किया था। ईडी के मुताबिक कुछ शॉर्ट सेलर्स ने कथित तौर पर 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश होने से सिर्फ 2-3 दिन पहले ही पोजीशन ली थी और कुछ सेलर्स ने पहली बार शॉर्ट पोजीशन ली। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ शॉर्ट सेलर्स की अनियमित कमाई के पैटर्न की तरफ भी इशारा किया। ये कंपनियां कहाँ की हैं? तो ईडी के मुताबिक 12 कंपनियों में से 3 कंपनियां इंडिया बेस्ड हैं। इनमें से एक विदेशी बैंक की भारतीय शाखा है। इसके अलावा 4 कंपनियां मॉरिशस में और एक फ्रांस, हांगकांग, केमैन द्वीप, आयरलैंड और लंदन में स्थित है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इनमें से किसी ने भी FPI और FII के आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी ऑनरशिप स्ट्रक्चर का खुलासा नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच दायरे में आई एक कंपनी जुलाई 2020 में स्थापित हुई और सितंबर 2021 तक उसमें कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी। हालांकि सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक सिर्फ 6 महीने की छोटे सी अवधि में, शॉर्ट ड्यूरेशन में 31,000 करोड़ रुपए के कारोबार पर 1,100 करोड़ रुपए की आय का क्लेम किया गया। इसके अलावा एक दूसरी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप ने एक FII के तौर पर बिना कोई टैक्स दिए 9,700 करोड़ रुपए की भारी इनकम बनाई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने कथित अंदरूनी व्यापार पर जुटाई कई खुफिया जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई 6 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी के साथ साझा की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईडी को संभावित रूप से विशिष्ट पार्टियों द्वारा किए गए कई उल्लंघन मिले थे जिनमें बाजारों में ठोस अस्थिरता पैदा होने के विश्वसनीय आरोप शामिल हैं और सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए। अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी में अपनी रिपोर्ट में उद्योगपति गौतम अडानी पर कॉरपोरेट जगत की सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर्स की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट हुई थी और निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए थे। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप में फर्जी कंपनियों का निवेश है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस तरह के आरोपों को खारिज किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से अपनी जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था जिसने कहा था कि अडानी ग्रुप की तरफ से इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। कल यानी कि 29 अगस्त को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होनी थी लेकिन ये सुनवाई टल गई, आगे के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। आगे और कुछ क्या अपडेट आती रहेंगी आपको हम बताते रहेंगे गुड रिटर्न्स के जरिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।